कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने। यहीं सर यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो माँ भारती के लिए ना बोल सके, जो माँ भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आएं और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी, आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, डिवेल्युएटिंग एंड डिमीनिंग इट, दैट टू बाय अ पार्टी हु हैज फॉरएवर बीन एक्टिंग अगेंस्ट द इथोस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंच तीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो। नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था, देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है।
अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए बैठिए, तमिलनाडु में ही बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली।